इस बरहम दुनिया में और किससे उम्मीद किया जाए? सिर्फ मोदी जी हैं जो कुछ बिल्कुल हम लोग को यदि आदेश मोदी जी दे देंगे तो पूरा हम लोग पाकिस्तान को कवरेज कर लेंगे। अरे बांग्लादेश के बाद बांग्लादेश में भी घुसेंगे, बांग्लादेश में पूरा भारत का मुल्क है। अल्पसंख्यक के लिए चिंतित हैं लेकिन बांग्लादेश के अल्पसंख्यक पर आज तक एक भी टिप्पणी नहीं की, ये भी तो दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों का वोट तो आप लोग ना लेते। अरे दुनिया में जहाँ भी हिंदू को कोई आँच आएगा तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बकसने वाले नहीं है। ना कि आपको खाना बना के दे दिया गया तो आप खुद खाइए, वही आके खिलाएंगे, मोदी जी आपको खिलाएंगे नहीं ना। जो भी सुरक्षित है हिंदुओं का वोट का राजनीति करते हैं। हमको सभी जात वोट देते हैं, कल हिंदू नहीं देते हैं, बीजेपी को मुस्लिम सिख थोड़ा कुछ है। प्रक्रिया जो होती है हर देश का अपना हाथ बंधा रहता है। भाजपा हिंदू वोट के लिए राजनीति करती है और हिंदुओं की रक्षा के लिए तैयार नहीं है। बांग्लादेश में खुलेआम हिंदू वहाँ ये हो रहे हैं, मतलब उनको कत्लेआम मचाया जा रहा है, तमाम चीज़ें हैं। तो एक भाजपा ही है जो कि हिंदुओं के समर्थन में बोल भी रही है, बाकी पार्टी तो जो है तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। उनके पार डर गए मोदी जी? मोदी जी डरने वाले हैं? हिंदू वोट चाहिए? मोदी जी डरने वाले हैं? सभी धर्म सभी जात की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, मोदी जी नहीं है। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है यूएन में, इसकी मांग को उठाया गया है हमारे प्रधानमंत्री। यहाँ पड़ोस में है तो यूएन चले, देखिए वो अलग कंट्री ऑफिस में। बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित? बिल्कुल सुरक्षित है। उन्होंने अपने अधिकार के लिए बांग्लादेश में 1,35,00,000 हिंदुओं ने कहा, दुनिया देख रही है। और बांग्लादेश के कुछ साजिश हुआ है हिंदुओं पर, लेकिन हिंदू अपने अधिकार के लिए उतर गया और अधिकार लेकर आके दुनिया देख रही है। आरोप लग रहा है कई सोशल साइटों पे चल रहा है कि मोदी जी को हिंदुओं का वोट चाहिए, भाजपा को हिंदुओं का वोट चाहिए, हिंदुओं का रक्षा से कोई मतलब नहीं है। भारत रक्षा करना जानता है और बता दिया है उन आतंकवादियों को जो अत्याचार कर रहे थे अपने अधिकार के लिए। वही विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि अन्याय करना उतना पाप नहीं जितना न्याय सह लेना। हमारे हिंदू वहां उतर गए, दुनिया देख रही है, कुछ साजिश वहां हो रहा है। लेकिन ये नए प्रधानमंत्री को भी कहा गया, इन्होंने कहा कि अगर हिंदुओं की रक्षा ना हम इस्तीफा दे देंगे। 1,40,00,000 हिंदू अपनी रक्षा के लिए कर रहे हैं, वो कह रहा है कि हम बदला ले रहे हैं 71 के, वैसा नहीं। भारत इतना शक्तिशाली है, भारत ने कह दिया कि अगर अब अत्याचार होगा तब बर्दाश्त नहीं होगा, अपनी रक्षा कर रहा है। एक सप्ताह हो गया मोदी जी 2-3 घंटा में एक्शन ले लेते हैं। मोदी साहब एक्शन ले रहे हैं, कर रहे हैं, बता रहे हैं, उन्हें सचेत कर दिया गया, लेकिन वो साजिश और आतंकवादी जो हैं वो अपना कर रहे हैं। हिंदू अपनी रक्षा वहाँ कर रहे हैं, सारी दुनिया हो गई हिंदू, वहाँ हिंदू एकदम ठीक है। चलिए होंगे यहाँ पर अभी, इसका डिसीजन करेगा कि कौन बनेगा नहीं बनेगा। और एक और सदस्यता अभियान, बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान की शुरुआत सितंबर माह से शुरू होने जा रही है। तो हमेशा होता है, कोई नया बात तो आप पूछ नहीं रहे हैं। तो एक अच्छा मातृभूमि है, 1-2 हो रहा ना। भाजपा में आज तिरंगा यात्रा निकल रहा है, कई सवाल हैं जुड़े हुए। परसों 15 अगस्त है, आज 13 अगस्त है, तिरंगा यात्रा का क्या उद्देश्य? हमारा जो युवा का कार्यक्रम है तिरंगा यात्रा का उद्देश्य है भारत की जो ये भूमि है इससे प्यार, यहाँ के प्रति समर्पण भाव, जो हमारे राष्ट्र के रक्षा के लिए जो सैनिक बलिदान हुए, जो राष्ट्र भावना है, वो हम लोग राष्ट्र भावना का संदेश पूरी दुनिया को देना चाहते हैं तिरंगा यात्रा के मध्य कार्यक्रम। बड़ा सवाल उठ रहा है, बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं हैं और आप लोग हिंदुओं के वोट लेकर यहाँ पर वोट के लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि राजनीति करते हैं और तमाम। बांग्लादेश एक साइड हो जाना, बांग्लादेश में जो हिंदू सुरक्षित नहीं है उनको खुद अपने आप की रक्षा करना है, और जहाँ तक हो सके हर संभव हम लोग ये प्रयास करेंगे। और हम लोग को अगर मौका मिले तो हम लोग बॉर्डर पार भी जाएंगे और वहाँ पे हर संभव। बोलिएगा, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं सर? मोदी जी तो जो करना है वो करेंगे, अब जरूरी थोड़ी ना है कि आपको खाना बना के दे दिया गया तो आप खुद खाइए, वही आके खिलाएंगे, मोदी जी आपको खिलाएंगे नहीं ना। अपना भी तो अपना भी वहाँ 1.25 करोड़ है ना जी, हाँ तो एक बार अभी देखिए, अभी वहाँ उन लोग रैली निकाले एक तो कहीं कोई सट गया, कोई मुस्लिम कोई सटा नहीं सटा। अरे हम ही लोग में से ना जो डरफोक है, डर के मारे सलवार नीचे किया, वही ना बना हुआ है, हाँ तो उन लोग ना डरफोक है जी, हम लोग तो है। आप लोग जाइएगा बांग्लादेश,
बिल्कुल हम लोग लड़ने का काम किए हैं, देश के अक्रंताओं के खिलाफ हमारा पूर्वज लड़ा है और हम आज भी लड़ रहे हैं। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ हैमानियत किया गया, ये बेहद दुखद है और मैं मोदी जी से पहले भी आग्रह किया हूँ। आप लोग क्या इस पर क्या जाइएगा लड़ने? एकदम हमारे खुद जो नेतृत्व कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री, वो चुप बैठने वाले नहीं है। हमारे हिंदू पर जो बांग्लादेश में अत्याचार हुआ है उसको सहन करने वाले नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी। और सुनिए बता रहे हैं वहाँ पे सुरक्षित लोग आएंगे, कोई दिक्कत वहाँ पे अभी सुरक्षित रहे और अब हिंदू एकजुट होकर दिखा दिए वहाँ पे। अच्छा। समझे ना, और हिंदू जो लोग समझ रहे हैं कि भारत का जो नेतृत्व कर रहा है वो हमारा स्वयं रक्षा करेगा, समझ जाइए। चलिए एक और नेता जी हैं, भाजपा हिंदू वोट के लिए राजनीति करती है और हिंदुओं की रक्षा के लिए तैयार नहीं है। बांग्लादेश में खुलेआम हिंदू वहाँ ये हो रहे हैं, मतलब उनको कत्लेआम मचाया जा रहा है, तमाम चीज़ें हैं। तो एक भाजपा ही है जो कि हिंदुओं के समर्थन में बोल भी रही है, बाकी पार्टी तो जो है तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। तो उनके प्रधानमंत्री को जगह दे दिए और उनको वो सब वहाँ हिंदू फंसा हुआ है। सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, देखते चलिए। अभी जो है तिरंगा यात्रा में सब लोग जो है देखते हैं, जोश देखते हैं, जोश में है। और जितने भी हिंदू हैं वहाँ उनके सुरक्षा के लिए जो है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जो है पूरा लगे हुए हैं, जोर शोर से लगे हुए हैं। साहस नहीं है जो हिंदुओं पर जो देखे नहीं जो माफ़ी मांगे हैं, आपने देखा है नहीं कि हम भीड़ में तो कुछ कर दे रहा है, गाँव के गाँव साफ हो जा रहा है। देखिए ये तो चूंकि अचानक हुआ, अनायास हुआ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। भारत माता की जय। पहले सुनिए आप लोग वोट लेते हैं भाजपा के न हैं, इधर आइए, ये सब युवा लोग हैं। बांग्लादेश में हिंदू के साथ क्या हो रहा है आप लोग यहाँ से खाली बोल रहे हैं? मोदी जी वहाँ पड़ोसी मुल्क है, देश है बांग्लादेश, भारत का कभी हिस्सा रहा है, तो इस पर क्या कहिएगा? देखिए जो भी सुरक्षित है हिंदुओं का वोट का राजनीति करते हैं, हमको सभी जात वोट देते हैं, तो हिंदुए नहीं देते हैं, बीजेपी को मुस्लिम सिख मतलब आप मुस्लिम के लिए करिए। नहीं नहीं सभी वोट देते हैं, जो आप पूछे सभी वोट देते हैं। लेकिन जहां बांग्लादेश की बात है, हम लोग पहले बांग्लादेश को समर्थन दिए हैं, आज भी समर्थन देंगे। थोड़ा कुछ प्रक्रिया जो होती है हर देश का अपना हाथ बंधा रहता है, इसके कारण हम लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं। डर गए मोदी जी? मोदी जी डरने वाले हैं, वोट चाहिए। मोदी जी डरने वाले हैं, सभी धर्म सभी जात की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, मोदी जी नहीं है। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है, यूएन में इसकी मांग को उठाया गया है, हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पड़ोस में है तो यूएन चल, देखिए वो अलग कंट्री बिल्कुल, का मामला बिल्कुल है, वो दूसरे देश का मामला है। इसकी बातों को रखा गया है मजबूती से, सभी हिंदुओं के सुरक्षा के लिए एक अस्थायी कमेटी का गठन किया जा रहा है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। यूएन में जाना कितना सही है? बिल्कुल, हम लोग को यदि आदेश मोदी दे देंगे तो पूरा हम लोग पाकिस्तान को कवरेज कर लेंगे। अरे बांग्लादेश के बाद बांग्लादेश में भी घुसेंगे, बांग्लादेश में पूरा भारत का मुल्क है वो। मोदी जी कैसे आदेश दें आप लोगों को सिक्योरिटी दे का दें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुओं का संरक्षण मिलना चाहिए, उसके लिए कानून बने। देश में कहीं भी हिंदू पर आक्रमण होता है, दुर्व्यवहार होता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो हम लोग बोला है भाजपा के लोग खाली बोलने में तेज हैं, काम करने में कुछ ऐसा नहीं। विपक्ष क्या बोलेंगे, विपक्ष का तो खुद अपना अस्तित्व नहीं है। अब मोदी जी डर गए ना, हिंदू बचा के ला नहीं रहे बांग्लादेश वहाँ। अरे हम आपको बोले ना कि मान लीजिए कोई भी आपको खाना बना के देगा, खाइएगा तो आप खुद ना उतना जिगर में होना चाहिए, आप खुद लड़िए ना। देखिए कैसे पीछे से वो लोग आएंगे, वो क्यों आएंगे? भारत के अल्पसंख्यक के लिए चिंतित हैं, लेकिन बांग्लादेश के अल्पसंख्यक पर आज तक एक भी टिप्पणी नहीं की, ये भी तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुओं का वोट तो आप लोग ना लेते हैं। अरे पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया में जहाँ भी हिंदू को कोई आँच आएगा तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बकसने वाले नहीं है। और मैं आपके बयान आया है मोदी जी का, बांग्लादेश के हिंदुओं को रक्षा करेंगे, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए हम भोजन यहाँ रहने का व्यवस्था, अभी तक बयान नहीं, कोई मंत्री योजना नहीं। पहल शुरू हो चुकी है, बात को यूएन में उठाया गया और जल्द यहाँ के मुद्दा है यूएन का हला चल गया। कहते नहीं है करके दिखाते हैं, समझे ना? नहीं नहीं वो कर रहे हैं, आपको उतना नहीं कर रहे हैं वो जो हम लोग
प्रताप के जैसा फिर से लड़ना शुरू करेंगे, जिस प्रकार से देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हम लोग अब लड़ेंगे। लड़के का होगा वहाँ नहीं, वहीं जाएंगे। हाँ एकदम, बांग्लादेश भाजपा के लोग यहाँ से रवाना होने के लिए तैयार। जी पहला नंबर तो, पहले तो एक चीज सुन लीजिए, मोदी जी पहले तो बोलते नहीं है ज्यादा, अचानक ज्यादा नहीं बोलते हैं इस मुद्दे, अटैक मुद्दे में। एक ही बार मोदी जी का मिसाल नहीं मारेंगे, प्लानिंग करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक होगा, सारे जितने भी आतंकवादी टाइप के बांग्लादेश सबको समेट के ले आएंगे और गाड़ दिया जाएगा। तो मोदी जी का बोलना नहीं है, करना कर्तव्य है, करना है। और भी यहाँ पर नेता जी लोग हैं, एक बात आए हैं, क्या कहिएगा? लग रहा है नेता जी क्या बोलिएगा, युवा है, बांग्लादेश में हिंदू पिटा रहे हैं जी, हेलमेट उतारिए। ये तो ना इंसाफी हो रहा है, आप लोग हिंदू की राजनीति करते हैं, वहाँ हिंदू सुरक्षित है? नहीं नहीं, उस पर कर रहे हैं ऊपर वाले। मोदी जी डर गए लगता है? नहीं नहीं, मोदी जी ही कुछ उसका सलूशन निकालेंगे, दूसरा कोई नहीं है। मोदी जी से उम्मीद है? मोदी जी से उम्मीद है, और किससे उम्मीद किया जाए इस ब्रह्म दुनिया में, और किससे उम्मीद किया जाए? सिर्फ मोदी जी हैं जो जी कुछ बोल ही ना रहा, बोलता बोलने से बोलना पड़ता है, काम करना पड़ता है। बोलेगा कि काम करेगा, बोलेगा कि काम करेगा। हिंदू को तो जात पात में बांट के जातीय जनगणना करवाना चाहता है कि हिंदू में बंटवारा रहे। क्या समर्थन दिए ना आप लोग भी जनगणना में? कहे होगा, नहीं कर रहा है। हिंदू को बंटवारा करने के लिए जात पात में बांट के वोट के लिए जनगणना कराओ, कौन जात कितना है, क्या जरूरत है? अरे हिंदू का करोड़ है, कितना हिंदू है, हिंदू हाँ हिंदू करो, जनगणना कितना देश में है? बांग्लादेश में चाचा जी वहाँ फांसल है सब हिंदू। अब यहाँ मोदी जी कहते थे हम हिंदुओं के लिए ये करेंगे, योगी जी ये बोलते थे, सब लोग मंत्री उन्त्री से। मोदी जी कार्रवाई कर रहे हैं, करेंगे मोदी जी, ऐसा नहीं है। इतना प्रधानमंत्री देश में पहला बार मिला, ये लोग साधु संत है, ये लोग कार्रवाई करेंगे। तब उम्मीद रखें, उम्मीद रखें नेता जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हिंदुओं की रक्षा कैसे होगी बांग्लादेश के हिंदुओं? देखिए हिंदुओं की रक्षा जब भी हो सकती है, जब हिंदू जात पात में न बटे, अपना मान सम्मान के लिए हिंदू एक हो, तभी रक्षा हो सकती है। बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा की बात उठ रही है मैम, तो रक्षा हो गई कर रहे हैं मोदी जी, एक शब्द नहीं बोले सप्ताह भर से। प्रधानमंत्री जी ने, आपने न्यूज नहीं देखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया है कि हमारे बांग्लादेश के जितने भी हमारे भारतवासी हैं, उनकी रक्षा की जिम्मेवारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने। भूखे प्यासे रोड पर कीर्तन कर रहा है। देखिए ये तो किसी भी चीज़ का एक सिम्टम होता है, और सभी चीज़ का एक सिस्टम में आना बहुत ज़रूरी होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस काम को, जब इस दायित्व को खुद से मॉनिटरिंग किया है, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी साथ दे रहे हैं और उनकी रक्षा के लिए खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और नेताजी हैं, हिंदुओं की रक्षा, बांग्लादेश की हिंदुओं की रक्षा कैसे? नो कमेंट्स। मोदी जी डर गए, मोदी जी असल है। चलिए बोलना नहीं चाहते हैं, युवा नेता हैं, एक युवा खूब बोल रहे थे, क्या बोलिएगा भाई साहब? देखिए तिरंगा यात्रा जो आज का कार्यक्रम है, पूरे देश में युवाओं को जागरूक करने, हर घर तिरंगा, जो हमारा देश का अभिन्नांग है, जहाँ तिरंगा नहीं पहुंच पा रहा वहाँ तिरंगा फहराने का कार्य कर रहे हैं। के अभी वर्तमान के अध्यक्ष हैं भारतेंदु मिश्रा जी, सही बोल रहे हैं ना हम? मगर सही बात आप लोग बोलिएगा, अभी बांग्लादेश में हिंदुओं का रक्षा नहीं हो रहा है, भाजपा हिंदू का नाम लेकर पूरा राजनीति करती है, कैसे कौन करेगा अब ये? आप लोग खाली, आप नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट देखिए जी, जी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये जो हिंसा है वो हिंसा बंद होनी चाहिए। उनका पहला ट्वीट जब ये उन्होंने शपथ लिया था, तो उनको नई जिम्मेदारी का बधाई देते हुए ये ट्वीट उन्होंने किया था कि हिंदुओं पर हो रहे हिंसा को अविलंब बंद कराया जाए। लेकिन आप दूसरी ओर देख लीजिए, दूसरी ओर राहुल गांधी समेत पूरे विपक्षी पार्टी ने अपने ट्वीट में उनको प्रधानमंत्री पद की बधाई दी, ना कि नई जिम्मेदारी के लिए, और अपने उस ट्वीट में एक लाइन, एक शब्द भी हिंदू हिंसा पर उन्होंने खेद व्यक्त नहीं किया और ना ही उसे रोकने का कोई प्रयास। 5-6 दिन हो गया है, राहुल गांधी से तो उम्मीद कितना रखता है इस देश के लोग जानते हैं, वो तो जनादेश में टिप ही दिया कि उनसे उम्मीद नहीं है, उम्मीद है मोदी जी से। अब भाजपा कहीं ना कहीं हिंदुत्व का ही पूरा आइडियोलॉजी लेके, संघ परिवार और ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं, तो हिंदू की ही पॉलिटिक्स करती है। अभी वहाँ पर हिंदू अपना घर बार छोड़ के कीर्तन कर रहा है रोड पर, कुछ जी बिल्कुल नौजवान हैं, इनके अंदर भावना, इनके भावना का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन वो दूसरा देश है, वहां कूटनीति और एक सही प्रयास से ही इस चीज़ को रोका जा सकता है। आवेश में आके कोई निर्णय से ये चीज़ रुकेगा नहीं। अच्छा, इसका अस्थायी समाधान भी होना चाहिए, त्वरित समाधान के साथ साथ इसका अस्थायी समाधान के लिए भारत सरकार लगातार प्रयत्नशील है। बहुत हिंसा से समाधान नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं, बातचीत से ही और प्रयास से ही इसका समाधान। चलिए
अभी यहाँ से तिरंगा यात्रा निकलना है, उन सभी चीजों को लेकर हम बात करेंगे। अभी फिलहाल कई युवाओं से बात कर रहे थे, मेरा नाम रवि कुमार के पीछे आते हैं, उनके ऑफिस से यहीं से तिरंगा यात्रा निकलना है। और अभी देख रहे होंगे कि प्रवक्ता लोग हैं, प्रवक्ता जी बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर खबर बन रही है, क्या कहिएगा? देखिए, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वहाँ के जो सलाहकार इंदू जी से बात हो रही है, और वहाँ के सलाहकार जो इंदू जी ने कहा है कि नहीं, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं जी, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और बहुत जल्द ही सारी चीज़ें यथावत हो जाएंगी, सारी चीज़ें यथावत हो जाएगी। कुछ सीनियर नेता हैं, जरा यहाँ पे हम जरा पूछ लें, बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर सवाल उठ रहा है सर, क्या कहिएगा? मीडिया बगल 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 ये बोले हैं बांग्लादेश में हिंदू वहाँ पर उनके साथ अन्याय हो रहा है, हत्याएं हो रही लगातार सड़क पे। सर इधर हो जाइए, सर इधर कैमरा है, तो वहाँ पर लगातार हत्याएं हो रही है और ऐसी तमाम चीज़ें हो रही है। भाजपा हिंदुओं की बात करती है, हिंदुओं की बात उठाती है, इसी को लेकर खूब सवाल बन रहा है। मोदी जी पर क्या एक्शन उक्शन नहीं ले रहे हैं, वहाँ भूखे सड़क पर लोग हैं? नहीं तो सरकार तो एक्शन लिया, मोदी जी ने कहा वहाँ के, अमित शाह जी ने दोनों सरकार को आप चेताया है कि भाई आप वहाँ के माइनॉरिटी पर ध्यान दीजिए, नहीं तो हिंदुस्तान कार्रवाई करेगा। ऐसा 5 दिन हो गया और मतलब हिंदुओं के वोट के लिए भाजपा कहीं ना कहीं पूरा एकदम बांग्लादेश का हिंदू है, हिंदुस्तान का हिंदू, आप देखिए कि NRC किस लिए लगा था कि वहाँ से हिंदू को लाया जाएगा, इसीलिए लगाया गया था ना, वहाँ से हिंदू भी कार्रवाई के लिए सरकार तो दूसरे लगता है कि असफल हो रहे हैं, वहाँ सैकड़ों हिंदू के साथ काका हजारों हजार। अगर ऐसा उम्मीद बनेगा ना तो भारत 77 के तरह कार्रवाई करेगा, 75 के तरह, अगर इस तरह कार्रवाई करेगा। चलिए, यहाँ पे बहुत से और भी लोग हैं, देख रहे होंगे यहाँ पर भाजपा के नेता लोग हैं, क्या कहिएगा? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय को लेकर बर्बरता पूर्वक आप लोग राजनीति करते हैं, हिंदुओं का वोट लेते हैं, आरोप लग रहा है? आरोप की बात नहीं है। बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार अभी बनी है, उसने हिंदू संप्रदाय जो अल्पसंख्यक हैं उनसे माफ़ी मांगा है। पूरे विश्व भर में बांग्लादेश की किरकिरी हो रही है, भारत के समाज भी, हम लोग भी चाहते हैं बांग्लादेश में जल्द से जल्द शांति व्यवस्था बहाल हो। तो सरकार में हैं आप लोग, विपक्ष में रहते थे बोल भी सकते थे, तो सरकार में आप हम बांग्लादेश में घुस के जबरन किसी चीज़ को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश में की देखिए आप, ये विदेश नीति है, बांग्लादेश में जबरन हम नहीं घुस सकते हैं, सब कुछ की एक प्रक्रिया होती है। बांग्लादेश पर दबाव है, पूरे विश्व भर का दबाव है, और बांग्लादेश में जल्द शांति होगा। भारत के लोग भी चाहते हैं, बांग्लादेश को भी पता है कि भारत जैसा देश मेरे बगल में है, इसलिए कहाँ सुना, हिंदू तो सड़क पे आके कीर्तन कर रहे हैं, जान बचा रहे हैं सड़क पे आके, तो इसमें भारत सरकार का कुछ वहाँ पे सहयोग रहना चाहिए। हिंदुओं ने एकजुटता दिखाई, जिसका परिणाम है कि बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार अभी जो है उसने माफ़ी मांगा है। वहाँ की सेना ने भी कहा है कि जो गलत, हजारों लाखों हिंदू भागम भागी हो गए तब माफ़ी मांगे, आप क्या कहिएगा? ऐसा है, हम तो अपने सरकार में हैं, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो डायनेमिक पर्सनालिटी इस देश का विश्व विख्यात एक मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में है, और इन्हीं के दिशा निर्देश में विश्व के कई कंट्री जो है ना इनको आदर पूर्वक देखता है। अरे तो हिंदुओं के वोट से ना, हिंदू की पॉलिटिक्स करते हैं मोदी जी। सुन लीजिए, हमारे आदरणीय मोदी जी कहते नहीं है, कर देते हैं, अब सुनिए तो क्या होगा। CAA लागू हो गया, NRC लागू करके 1,35,00,000 जो हमारा अल्पसंख्यक हिंदू समाज के लोग वहाँ बांग्लादेश में हैं, उनको हम लोग हर तरह से सुरक्षा व्यवस्था करा करके, यदि नहीं मानेगा तो हम लोग लाएंगे, और यदि वहाँ का मुस्लिम कंट्री का जो हाफिज कॉलेज का जो स्टूडेंट लोग है, जो स्लीपर सेल है, उनको नेस्तनाबूद कराने का भी हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी क्षमता रखते हैं। आप नाम लिए CAA NRC बहुत बहुत कानून का, कितने लोगों को चिन्हित कर लिए जो घुसपैठ से इधर आए? सब तो आधार कार्ड बना के रह रहे हैं। ऐसा है, 4 करोड़ करीब करीब रोहिंग्या मुसलमान हमारे भारत में है, कार्रवाई हुई, उसकी कार्रवाई के लिए ही तो कानून बन रहा है ना। और इसी के कार्रवाई और सुनवाई के लिए हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जाने जाते हैं, और हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी जाने जाते हैं। अब सुनिएगा, बहुत जल्द रिजल्ट आएगा। बिल्कुल रिजल्ट आएगा, आप 6 महीना का इंतजार कीजिए, उसके बाद भारत का जो पराक्रम है वो दिखेगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में।
और एक सबक है बांग्लादेश की घटना से कि यहाँ के जो भारत के हिंदू हैं वो सजग हो जाएं, क्योंकि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो गैर हिंदू के लोग जो आक्रमण किए हैं उसका परिणाम ये है कि वो न जात पात नहीं देखे कि यादव कौन है, कुर्मी कौन है, वैश्य कौन है, वहाँ हिंदू है। तो यहाँ के लोगों को भी सजग होकर करके यह देख लेना चाहिए कि हिंदू को अंततः एक होना ही पड़ेगा, अन्यथा मुसलमान के लिए हिंदू मात्र काफी नहीं है, न कि अन्याय। और आप लोग हिंदू हिंदू करते हैं, बचाते वहाँ नहीं बांग्लादेश में? आपको शायद पता नहीं हो कि पिछले दो दिनों से जो बांग्लादेश में हिंदू का जो जागृति हुआ है, रोड पर कीर्तन कर रहे हैं, करना चाहिए उनको। कीर्तन के जगह हाथों में हथियार उठाना चाहिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने बहु बेटियों की रक्षा के लिए, अपने अपने माओ की रक्षा के लिए। मजबूत सरकार है तो इनके तरफ से क्या हो रहा है? हिंदू हिंदू करते हैं, हिंदू का वोट लेते हैं, हिंदू की रक्षा नहीं कर सकते हैं जाके वहाँ? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत व्यवस्थित ढंग से सारी चीज़ों का निष्पादन करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। और शायद आप नहीं जानते हो कि भारत एक ऐसा देश है जो सभी जाति और सभी धर्मों का देश है, और ये मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में बांग्लादेश की जो स्थिति और परिस्थिति है वो बहुत जल्द आपको बदली बदली दिखाई देगी। चलिए, कई लोग यहाँ पर भाजपा ऑफिस में हैं, बाकी अभी के लिए इतना ही कहेंगे। आज तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा था, बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर यहाँ पर हम सवाल जवाब कर रहे हैं तिरंगा यात्रा को लेकर। भारत माता की जय। ये बिहार वासियों ये तिरंगा निकाल इसलिए रहे हैं युवा मोर्चा महिला मोर्चा की तरफ से कि ये हिंदुओं की लगातार वहाँ पे हत्या हो रही है बांग्लादेश में, क्या बोलिएगा? ये भारत माँ का अभी झंडा तिरंगा निकल रहा है, अभी उस मैटर पे हम लोग कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। अभी ये माननीय अध्यक्ष जी, आज झंडा इसलिए बिहार वासियों को निकाला जा रहा है कि हम सुरक्षित रहे भारत माँ की तरफ से। आजादी का जश्न मना रहा और पूरा दुनिया में इस लोकतंत्र का डंका बज रहा है। आज हम हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा का शुरुआत कर रहे हैं। पूरे बिहार में हर घर में तिरंगा भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता फहराएंगे, और हर घर में उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अपने जीवन का न्यौछावर देकर देश को आज़ाद कराया है उनके प्रति हम सम्मान व्यक्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद का ध्वज फहराने के लिए ही अपने संस्कार को दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। वंदे भारत माता की। देखिए बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू अल्पसंख्यक पर अन्याय हो रहा है, आज इंडी गठबंधन के नेता चुपचाप बैठे हुए हैं, उनके मुंह पर ताला लग गया है। और बांग्लादेश में जिस तरह से अन्याय हो रहा है वहां के हिंदू अल्पसंख्यक, उनसे गठबंधन के नेताओं से कलकत्ता के बारे में आज उनका जुबान क्यों? कलकत्ता में जिस तरह से विभत्स तरीके से डॉक्टर के साथ रेप हुआ है तो हमारे इंडी गठबंधन के नेता के मुंह में ताला लगा हुआ है। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। इस देश की जनता इंडी गठबंधन के दोहरा चरित्र को पहचान रही है। अब तो पहले आप बांग्लादेश में जो है हमारे जो हिंदू अल्पसंख्यक पर अन्याय हो रहा है, कलकत्ता में जो रेप हो रहा है डॉक्टर के साथ, कभी इस पर चर्चा पहले करवाइए। मोदी जी क्या कर रहे हैं? ऋतुराज जी एक सेकंड। बीजेपी का तिरंगा यात्रा अभी पटना से शुरू हो रहा है और यहाँ पर देख रहे होंगे, कहाँ जा रहे हैं मैम आप लोग? कारगिल। अर्चना जी गिर जाइए, अर्चना जी क्या उद्देश्य है आज, क्या उद्देश्य है? हम लोग का उद्देश्य है हर घर झंडा, हर घर तिरंगा, और हमारा उद्देश्य है न किसी की जाति की तिरंगा है, न किसी की धर्म की तिरंगा है। और हम लोगों ने 15 तारीख को सारे घर में झंडा का निवाहन किया है, सारे घर में झंडा को गाड़ देना है। भारत माता की जय। बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा नहीं हो पा रही है? हो रही है, हिंदू अपनी रक्षा खुद करेगा, हिंदू अपनी रक्षा खुद करेगा। रक्षा के लिए महिलाएं भी अपनी रक्षा कर रही है, आपने देखा होगा बांग्लादेश में। अभी हम आप लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं मगर हिंदुओं की वोट के लिए राजनीति करते हैं, मगर बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा नहीं हो पा रही है। देखिए शुरू से ही भारत में राष्ट्र प्रथम के भाव से
हम सब लोग कार्य कर रहे हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम के भाव से काम करते हैं और हम सबको मालूम है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सब लोग ये कार्यक्रम लगातार पूरे देश भर में हो रहा है। और जैसा कि हम सबको मालूम है कि यह देश जो स्वतंत्र हुआ, हजारों लोगों ने जो अपना बलिदान देकर के इस देश को आज़ाद कराया, निश्चित रूप से उनके जो बलिदान का ये सार्थकता होगा कि आज 15 अगस्त लोग मनाएं और हर्षोल्लास सभी को मनाना चाहिए। राष्ट्र प्रथम के भाव से राष्ट्र हमारा आगे बढ़े, हम आगे बढ़े कि ना बढ़े, हमारा राष्ट्र निरंतर आगे बढ़े, इसके लिए हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ योगदान करना चाहिए। तो ये देख रहे होंगे अभी।